अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने जिस चीज़ का रिव्यू करने लगी हूँ वो है 3DX ब्लीच का। ये मैं अपने लिए करने लगी थी, सोचा कि आपके सामने इसका डेमो दे देती हूँ। आपको भी पता चल जाए कि कौन सी ब्लीच बेस्ट है, किसके लिए, कौन सी स्किन के लिए अच्छी है, कौन सी स्किन के लिए नहीं अच्छी, इसका सही तरीका क्या है यूज़ करने का, और मैं आज इसकी प्राइस और सब कुछ बताऊँगी। ठीक है, चलिए मैं आपके सामने इसका डेमो देती हूँ। मैं इसे ओपन करती हूँ। ये हमें ऐसे एक, इसके अंदर हमें ये एक मिला, मैन्यू मिला है कि इसको, इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ है, किसके लिए ये इस्तेमाल की गई हुई है, कौन सी स्किन के लिए बेस्ट है, और इस्तेमाल करने का तरीका, और इसकी एहतियाती तदाबीर क्या है, सारा इसके ऊपर मेंशन है। ठीक है, और इसमें एक इतनी बड़ी सी जार है कि आप इसको, अगर हम इसको वीक में एक दफ़ा या 2 वीक में एक दफ़ा हम इसको ज़रूर ब्लीच को फेस पे लगाना चाहिए, क्योंकि हमारी जो स्किन है इसमें जो मेल कुचैल होती है वो सब कुछ निकल जाती है, स्किन हमारी तरोताज़ा हो जाती है और फ्रेश लगने लगती है, और जो हमारी स्किन का टोन के मुताबिक हमारी जो हेयर जो है ब्लैक हो जाती है, तो हमारी स्किन के टोन के बराबर हो जाते हैं, जैसे उनका कलर होता है वैसे हमारी स्किन का कलर, वैसे ये स्किन को कलर कर देती है और हेयर को कलर कर देती है इसका। और इसमें 2 एक्सीलेटर हमें मिले हैं। ठीक है, ये हमारा काफ़ी टाइम इससे हमारा गुजर सकता है। इसकी प्राइस जो है 300 है, और मैं अब इसका यूज़ करने का तरीका बताने लगी हूँ आपको। अगर जो इसके ऊपर मेंशन है, जैसे उन्होंने तरीका बताया, अगर आप उनके अकॉर्डिंग करें तो वो भी बेस्ट है। अगर चाहते हैं कि आपको रिज़ल्ट अच्छा मिले तो आप इसमें सबसे पहले ड्राई मिल्क 1 स्पून डाल लें। मेरे पास ये ड्राई मिल्क का, अगर आपके पास ड्राई मिल्क नहीं है तो आप इसके जगह पे दूसरा दूध भी डाल सकते हैं। और अगर हमने इसका एक चम्मच हमने इसकी क्रीम का लिया, ठीक है, सबसे पहले हमें, अगर बर्तन जो है हमारा शीशे का हो या प्लास्टिक का हो, स्टील का बर्तन नहीं होगा, ठीक है, और इसमें अगर एक चम्मच हमने वो लिया तो हमने सॉरी और इसमें हमने 1/4, ठीक है, 1/4 डालना है। मैंने हाथों के लिए यूज़ करना था, ठीक है, ओह सॉरी इतना ज़्यादा निकल आया ना, ये इसको हमने अच्छी तरह एक पेस्ट बना लेना है। इसमें हम, अगर चाहते हैं कि हमारा रिज़ल्ट ज़्यादा बेस्ट हो, तो इसमें हम फार्मूला कैप्सूल जो मिलते हैं, वर्किंग कैप्सूल, वो भी ऐड कर सकते हैं, स्किन शाइनर भी ऐड कर सकते हैं, और बूस्टर भी हम इसमें बेस्ट रिजल्ट के लिए हम इस पर शामिल कर सकते हैं। ठीक है, वाइटनिंग वो इवियन कैप्सूल जो है, विटामिन ई की कैप्सूल, वो भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ये एक बहुत ही स्मूथ सा इसको पेस्ट बनाना है हमने, ठीक है, कि सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं, ठीक है। ये अब फूलना शुरू हो गई है, ये अब फूलना शुरू हो गई है। अब मैं इसको आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। हैंड्स पे अप्लाई किया, अच्छी तरह आपने सारा लेप करना है। ये आपके सारे जो मैल कुचैल होगी वो सारी उतार देगा आपके हैंड से, ठीक है। ये हमने इसको 15 मिनट के लिए अपने फेस पे लगा रहना देना।
अगर जिसने मुंह फेस के लिए बनाना है तो वो, अगर जिसने ज़्यादा मकदार के लिए बनाना है, बॉडी पे करना चाहता है ज़्यादा मकदार बनाना, तो इसी मकदार के लिहाज से आपने बना लेना। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें इसकी क्या तदाबीर है, इसको यूज़ करने का तरीका तो मैंने आपको बता दिया, तो इसकी तदाबीर बता दूँ मैं आपको। इसको हमने गर्म पानी से, अगर हमने गुसल किया है सर्दियों में ख़ास करके, हमने इसको गुसल किया है, गुसल करने के बाद हम ब्लीच इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि गर्म पानी से हमारे जो जिल्द बहुत नाजुक हुई होती है, नरम हुई होती है, इससे हमारी स्किन जल सकती है। और दूसरी बात यह कि जो हमने अब चिमचा मैंने जो यूज़ किया था स्पून, अगर इसको पहले भी अच्छी तरह वॉश करना है और इस्तेमाल करने के बाद भी हमने इसको अच्छी तरह वॉश करना है, क्योंकि हमने खाने के तौर पर इस्तेमाल करना होता है, फिर कोई जम्स वगैरह ना रह जाए। और अगर हमने आँखों को एहतियात से रखना है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं आँख में लग जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल कभी तो आँख में चला जाए, तो हमें फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत हाइड्रोजन वगैरह मिक्स हुई हुई है, चीज़ें मकदार में, काफ़ी मकदार में ये चीज़ें यूज़ हुई है, तो इससे हमारी आँख के जलने का भी खतरा होता है। और हमारे हमें एहतियात, आईब्रो भी ना हमारे कहीं ब्राउन हो जाए, पलके भी ना ब्राउन हो जाए, तो इसे भी हमें एहतियात करना चाहिए। इसको सिर्फ हमने 15 मिनट इस्तेमाल करनी है, अगर 15 मिनट में आपको रिजल्ट ना मिले, थोड़ी सी चम्मच से हमें चेक कर लें हटा के अपनी जील से, तो 20 या 25 मिनट हमें इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और बर्तन जो देहाती बर्तन इस्तेमाल ना करें, ठीक है, फालतू मरकब को हरगिज़ दोबारा क्रीम के जार में ना डालें, क्रीम के जार और पाउडर को अच्छी तरह बंद रखें ताकि ज़ायल ना हो। और इसको हम अगर हमारी स्किन सेंसिटिव है तो हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, मैं आपको बता रही हूँ हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर और इसको हम, ये हमारे जो जिल्द के मसामों में गहराई तक जाके इसमें मैल बाहर निकाल देती है, और हमारी स्किन बहुत ही साफ़ हो जाती है, मुलायम हो जाती है और फ्रेश नज़र आने लगती है। अब तो मर्द भी पार्लर में जाते हैं तो ये ब्लीच वगैरह करवाते हैं रिज़ल्ट के लिए, ये ट्रीटमेंट अक्सर पार्लर में जाए तो हमारे फेस पे ब्लीच करती हैं, अगर फेशियल करवाएं तो फिर भी उसमें ब्लीच ऐड होती हैं कि हमारी स्किन जो है साफ़ और ताज़ा लगने लग जाए, ठीक है। मैं आपके सामने ये चीज़ का डेमो दिया है, अगर आपको मेरी डेमो अच्छा लगे तो ज़रूर अप्लाई करिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। हमने इसके 15 मिनट बाद हमने इसको वॉश कर लेंगे, ठीक है, ज़रूर ट्राई करिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।